जी गाइस, आज हम आए हैं आलू मियां पे। आलू मियां पे आपको पिज़्ज़ा, सैंडविच, फ्राइज, बर्गर यहाँ सब मिलेगा। तो ये आप मेरी स्क्रीन में देख रहे होंगे, इनके पास सैंडविच भी हैं, बर्गर भी हैं, जिंगर बर्गर, जिंगर चीज़ बर्गर, और सैंडविच में चिकन मैक्सिकन है और पनीर मैक्सिकन सैंडविच भी मिलेगा। और फ्राइज इनके पास चार किस्म हैं, लॉटीज हैं, पिज़्ज़ा फ्राइज हैं, ये आपको आलू मियां पे मिलेगा। आलू मियां आप देख रहे होंगे यूनिक है, यूनिक नाम और एक काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव नाम है। ये इनका सेटअप है, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, और ये इनकी सब यहाँ डील लगी हुई हैं। डील भी इनकी काफ़ी मुनासिब पैसे में है। और ये इनका है इंटीरियर सीटिंग, आपके लिए एक बहुत नहायत पुरसकून और लग्जरी टाइप की सीटिंग बनाई हुई है। एक अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा डेकोरेट किया हुआ इन्होंने, बहुत प्यारी सीटिंग है, साफ़ सुथरी सीटिंग है, फैमिली के लिए भी काफ़ी अच्छा सेटअप है। और यहाँ इन्होंने वही डील लगाई हुई है, आप डील लेना चाहें, डील में आपको बर्गर भी हैं, डील में पिज़्ज़ा वगैरह भी हैं, आप इजीली ले सकते हैं, बहुत नहायत कम पैसों में अच्छी चीज़। और गर्मी के लिए एसी भी लगाया हुआ है ताकि आप आराम से बैठ के चिल होकर आलू मियां पिज़्ज़ा और आलू मियां बर्गर, फ्राइज और सैंडविच को इंजॉय कर सकें। तो मैं आज यहाँ आया हूँ तो यहाँ का रिव्यू देता हूँ आपको आलू मियां। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ना बॉल क्लीन कर दो, और अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने फ्रेंड्स और में शेयर भी कर दें। अगर मैं सब्सक्राइब का कहता हूँ तो कर दिया करें, हर वीडियो की स्टार्टिंग में ये मेरी एक यूनिक लाइन है। तो आज हम आए हैं, मेरे बैकग्राउंड पे आप देख रहे स्क्रीन में आलू मियां। आलू मियां, आलू मियां कहाँ गए थे? तो ये आलू मियां आ गए हैं पंजाब चुरंगी पे। तो आप यहाँ आके पिज़्ज़ा, सैंडविच, बर्गर, फ्राइज का लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट है ऐसा सुनने में आया है। तो अभी मैं यही ट्राई करने आया हूँ कि ये तारीफ यहाँ की बनती है नहीं। नाम काफ़ी यूनिक है तो मैंने सोचा इसका व्लॉग क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि अभी तक यहाँ कोई नहीं। तो हम पॉपकॉर्न वाले मैं यहाँ एक ऑर्डर देता हूँ और आपको उसकी मैकिंग दिखाता हूँ, प्राइस बताता हूँ और टेस्ट करके रिव्यू देता हूँ। चलिए आपको बगैर इंतजार किए पिज़्ज़ा लगवाते हैं, अपना ऑर्डर देते हैं और खा के रिव्यू देते हैं और आपको प्राइस भी बताते हैं। तो आपको एड्रेस एक दफ़ा दोबारा गाइड करता हूँ, आप पंजाब चुरंगी जो आपका अंडर पास से आ रहा है उसके आपने अंडर पास के नीचे नहीं जाना, आपने एक रोड आ रहा है वहाँ टर्न करते ही ये दूसरी गली आपको पड़ेगी, आप किसी भी पता कर सकते हैं आलू मियां पिज़्ज़ा। बाकी लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इजी आ सकते हैं। नहीं नहीं, मेरा हो गया वो चेंज नहीं था जा, ताकि आप यहाँ बिला झिझक आ सकें। तो ये जी हमारा पिज़्ज़ा रेडी होने लगा है, बारबेक्यू टिक्का फ्लेवर। तो ये हमारी आ गई डो, ये हम इसके एजेस जो हैं थोड़े से ये प्रॉपर बनाएंगे। ये डो फ्रेश होती है? डो फ्रेश होती है, इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो 5 to 6 आवर होती है। अच्छा, तो इससे ज़्यादा ये पिज़्ज़ा सॉस है? हाँ ये पिज़्ज़ा सॉस है, ठीक है सही। ये अपनी होममेड है या? ये हम खुद बनाते हैं। अच्छा होममेड है, मतलब खुद ही बनाते हैं आप? जी 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 जी, आपको बता दें ये मीडियम पिज़्ज़ा की मैकिंग दिखा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आ गई, ये आपकी मोज़रेला? जी ये मोज़रेला चीज़ है, ये मोज़रेला चीज़ आ गई है जी। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में जा रही है जी जी, ये 100 ग्राम तक जाती है जी। अच्छा, तो ये तकरीबन 100 होगी। ये चिकन आ गया हमारा जी, ये बारबेक्यू जी, ये बारबेक्यू है, बारबेक्यू की जी बोटियाँ हैं बिल्कुल फ्लेवर वाली। तो ये फ्रीज होती हैं? फ्रोजन नहीं, फ्रोजन नहीं होती है। अच्छा, इनको जो है वो डिफ्रॉस्ट किया जाता है यूज़ करने से पहले ना, वैसे होता है फ्रोजन ही, सारी बात हम क्वान्टिटी में लेते हैं तो इसको डीप फ्रीजर में रख देते हैं। सही, जितना हमें चाहिए होता है 2 किलो 3 किलो इस हिसाब से फिर हम इसको। सही, ये आ गए प्याज, ये आपके अनियन आ गए। सही, ये अनियन आ गए। ठीक है, थोड़ी हल्की सी चीज़ ऊपर से आवाज है, दोबारा चीज आ रही है। हाँ लाइट जबरदस्त, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, इसको ओवन बेक करेंगे। ये बेक पे जाएगा? हाँ ये बेक पे जाएगा, ये जी जा रहा है। इसका टेम्परेचर देखें 344, ये कितने मिनट में रेडी होगा? ये तकरीबन 5 to 6 मिनट, 5 to 6 मिनट में जी जी। ये हमारा पिज़्ज़ा होने लगा है, चला गया जी। अभी फाइनल होता है तो आपको दिखाते हैं, हमारा पिज़्ज़ा हो चुका है रेडी। ये हम ओवन से निकाल रहे हैं, क्या बात है, खूबसूरती चेक करें, माशाल्लाह अच्छा कलर आया है, डो का भी अच्छा कलर आया है, फ्रेश। ये ऑयल लग रहा है,
बटर भी लगा सकते हैं। हमारी कटिंग हो रही है जी, क्या बात, ये बटरिंग थी, क्या बात। ये जी मीडियम पिज़्ज़ा, अभी आपको टेस्ट करके रिव्यू बताते हैं कि टेस्ट में कैसा है। ये ओरिगानो है? हाँ ये ओरिगानो। ये जी ओरिगानो आ गया जी, ये हमारा पिज़्ज़ा का फाइनल लुक है, अभी रिव्यू करके खा के आपको बताते हैं कैसा है। तो जी गाइस, हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है, तो आप मेरी स्क्रीन में चेक करोगे पिज़्ज़ा बिल्कुल फाइनल लुक में है और काफ़ी दिखने में अच्छा लग रहा है। चीज़ काफ़ी मेल्ट है और डो काफ़ी अच्छी लग रही है और कलर भी अच्छा आ रहा है, दिखने में भी खूबसूरत है। तो अभी तक ये दिखने में खूबसूरत है क्योंकि टेस्ट नहीं किया, और ये मीडियम साइज पिज़्ज़ा है, ये ओनली सिर्फ और सिर्फ 550 रुपये का आपको मिलेगा। इतनी महंगाई में पिज़्ज़ा अब आपके लिए खाना हुआ आसान, सिर्फ 550 में आपको मीडियम पिज़्ज़ा मिलेगा। और अगर आपको लार्ज पिज़्ज़ा खाना है तो उसके प्राइस बता देता हूँ। लार्ज पिज़्ज़ा आपको यहाँ पड़ेगा सिर्फ 750 का, और जो इनका पैन होता है जो स्मॉल जिसे कहते हैं वो सिर्फ 280 रुपये का है। बहुत ही न्याय और बहुत ही कम पैसों में आपको अच्छी चीज़ यहाँ मिल सकती है, बिल्कुल हाइजीन तरीके से बनाई होती है जैसी आपने मेकिंग में देखा। अभी बगैर इंतज़ार किए मैं इसका ज़रा टेस्ट करता हूँ कि ये खाने में कैसा है, इतने कम पैसों में कैसी क्वान्टिटी दे रहे हैं। आपने लास्ट वाले ब्लॉग में मेरा देखा होगा, मैंने उस लास्ट ब्लॉग में एक पिज़्ज़ा बनाया था, चीज़ चेक करें, सारे पैसे इसके हैं। क्या बात, ये सब पैसे इसके हैं, देखें जी, ये होता है असल पिज़्ज़े का मज़ा। तो अभी इसको जी खा के रिव्यू देते हैं। थोड़ा सा ये आपके पास सादी केचप भी है और चिली सॉस भी है, ये भी दो ऑप्शन है आपके पास। खैर होता रहता है ये सब, काफ़ी थिक केचप लग रही है, निकल ही नहीं रही है। ये नाज़रीन केचप फंस गई है, ये तो मसला हो गया। चलें हम देसी जुगाड़ करते हैं, ऐसे तो आएगी। ये जी केचप आ गई हमारी, तो अभी बगैर इंतज़ार किए आपको रिव्यू देते हैं कि पिज़्ज़ा खाने में कैसा है। चीज़ चेक करें हम, माशाल्लाह, मैं तो सोच रहा हूँ चम्मच से खा लूँ। ये ज़रा औजार लेते हैं पिज़्ज़े वाले। ये जी हमारा फर्स्ट बाइट आ गया है आलू मियाँ पिज़्ज़े का, सीधे हाथ से खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रिव्यू टाइम, आलू मियाँ पिज़्ज़ा पंजाब चुरंगी। पिज़्ज़े में सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो है डो। डो आपका कमाल का होगा तो पिज़्ज़ा आपका ऑटोमेटिक ही टेस्ट देगा। तो ये पिज़्ज़ा काफ़ी मज़े का पिज़्ज़ा है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने से पैसों में 550 में आपको पिज़्ज़ा ऐसा मिलेगा, लेकिन काफ़ी ब्रांड का भी मैंने खाएँ, लेकिन ये पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मज़े का है। डो बहुत अच्छी है इनकी, जो पिज़्ज़ा सॉस है वो भी बहुत कमाल की है, जो चीज़ है इनकी बहुत कमाल का पिज़्ज़ा है। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप ज़रूर एक दफ़ा आएँ। अगर आप पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं तो एक दफ़ा ज़रूर आलू मियाँ को ट्राई करें, कम पैसों में बहुत अच्छी चीज़ दे रहे हैं आपको। आलू मियाँ जिंदाबाद। अभी आपको पिज़्ज़े के बाद मिलता हूँ खा के। तो ये जी अभी शान भाई का रिव्यू टाइम शुरू। जी शान भाई बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई, मैं चेक कर रहा हूँ और चेक करने के बाद आपको बताता हूँ मुझे कैसा लगा ये। जी शान भाई एक मिनट, अभी टेस्ट नहीं आया। जल्दी करो, सुबह पनवेल जाना है। बेहतरीन लाजवाब है, पक्की बात है, पिज़्ज़ा बहुत मज़े का यार, आप लोग आओ ट्राई करो यहाँ पे बहुत। जी गाइस, तो कभी यहाँ पिज़्ज़ा हुआ करता था तो अभी ख़त्म हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा पिज़्ज़ा था, काफ़ी मज़ा आया। सिंसियर रिव्यू दूँ तो वाकई में बहुत मुनासिब है, तो मैं बहुत अच्छा पिज़्ज़ा था, तो खा के काफ़ी मज़ा आया, पिज़्ज़ा हो चुका है। एंड मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ तो 100% रिकमेंडेशन है मेरी, आप यहाँ आगे ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह पिज़्ज़े का मज़ा आएगा। तो यहीं अपना ब्लॉग एंड करता हूँ। मिलते हैं आपको अपने नए ब्लॉग, नई लोकेशन और नई डिश के साथ। अपना, अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।